हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। हम लोग भी ठीक है। और अभी बज रहे सुबह के 6:30 और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि मुझे बट सावित्री पूजा के लिए सामान लेना था, तो इसलिए अभी जा रहे हैं। तो इतनी सुबह इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मैंने गूगल में देखा है कि मंदिर सुबह आधे घंटे तक के लिए खुली रहती है, 7:30 to 8। तो इसीलिए मुझे लगा कि अगर सुबह में मंदिर खुलती है आधे घंटे तक लिए, तो शायद वहाँ पर जितने भी शॉप्स हैं वो भी खुले रहते होंगे। हमें मालूम नहीं है कि मंदिर सच में खुली रहती है कि नहीं सुबह में, क्योंकि अभी कोविड की वजह से मंदिर सारे टाइम तक के लिए नहीं खुली रहती है। तो इसीलिए शाम का पता है हमें कि शाम में आधे घंटे तक के लिए खुलती है, तो शाम में हम लोग जा नहीं सकते हैं। फिर नवनिया स्कूल जाते हैं, फिर वो आएंगे, तो फिर शाम में हमें और भी काम है आज। तो इसीलिए सोच रहे हैं कि अभी हम लोग होकर आ जाते हैं। अभी नवनिया सोए हुए हैं और उनकी दादी है नवनिया के पास में, तो उनके उठने से पहले हम लोग आ जाएंगे। तो यही सोच कर जा रहे हैं, देखते क्या होता है, मंदिर खुली रहती है या नहीं, शॉप्स वहाँ पर खुले रहते हैं या नहीं। तो चलिए फिर वहाँ पर चल कर देखते हैं। पूजा का सामान लेने शॉप में आ गए हैं, लेकिन अभी मंदिर खुलने में टाइम है। मंदिर 7:30 बजे खुलती है, तो अभी हम लोग यहीं पे वेट कर रहे हैं मंदिर खुलने की। हम लोग घर आ गए मंदिर से और पूजा का सामान भी हम लोगों ने ले लिया है, बस अभी फूल और फल रह गया है, तो वो तो खैर पूजा वाले दिन ही आ जाएंगे। अनिमेश मंदिर जाकर पूजा वाले दिन की सुबह लेकर आ जाएंगे, और फल तो यहाँ नीचे में ही मिल जाएंगे। बड़ा तो छोटा पौधा मिला नहीं, वो लोग क्या कर रहे थे, किसी बड़े पेड़ में से डालियाँ तोड़ कर ला कर बेच रहे थे, जो है उसी में काम चलाना है, तो हमने वही लिया है।
ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। श्रृंगार का सामान हमारे यहाँ बट सावित्री की पूजा में नहीं चढ़ाया जाता है, वो हरितालिका तीज में हम लोग चढ़ाते हैं, तो इसीलिए श्रृंगार का सामान नहीं लिया और बाकी जो पूजा का सामान है वो सब ले लिया है। और बट सावित्री कथा की किताब भी मेरे पास यहाँ पर नहीं थी तो भी मैंने ले लिया है। और मंदिर 7:30 बजे सुबह से 8 बजे तक के लिए खुली रहती है, तो 7:30 बजे खुल गई थी। हम लोग पूजा की थाल लेकर वहाँ तो गए, तो मंदिर में जाने के रास्ते में टेम्परेचर चेक होता है और लाइन लगी हुई थी और लाइन लगाकर ही अंदर जाना था। जगह जगह पे 5-6 लोग थे तो वो लोग चेक कर रहे थे कि भीड़ ना लग जाए मंदिर के अंदर में, या फिर लोग ज़्यादा टाइम तक रुक कर वहाँ पे खड़े होकर बात तो नहीं कर रहे। पूजा की जो थाल थी वो भगवान जी की मूर्ति के पास पंडित जी को नहीं देनी थी, वो पहले ही दे देना था, तो वो भी हम लोगों ने वहाँ पे पहले ही दे दिया। और उसके बाद से फिर घूम के भगवान जी को प्रणाम करते हुए फिर दूसरे रास्ते से वापस बाहर आ जाना है। इतना टाइम ही नहीं था मंदिर के अंदर कि मैं कोई फ़ोटोज़ या वीडियोज़ ले पाती, क्योंकि बिल्कुल से जा रहा था प्रणाम करना था और निकलना था। तो सब कुछ अच्छे से हो गया, हमने सुबह सुबह दर्शन भी कर लिया, पूजा का सामान भी आ गया और हम लोग घर भी वापस आ गए और नवमी अभी तक उठे भी नहीं है, तो सब कुछ सही है। तो चलिए फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। तो गाइस मंदिर से आने के बाद अभी आपसे मिल रही हूँ क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं और अभी हम लोग चाय पी रहे हैं, तो साथ में पकौड़े भी है और पकौड़े मैं नहीं खाने वाला हूँ, पकौड़े जो है ये और मम्मी खाने वाली है और शायद नवमियाँ खा ले, नवमियाँ के पीछे बहुत घूमना पड़ता है कोई भी लेके खिलाने के लिए। तो पकौड़े शायद मैं खाऊँ, मम्मी जी खाएंगी और नवमियाँ थोड़ा बहुत अगर खाए तो खाए, तो देखती हूँ अगर इसको खाने के बाद थोड़ी बहुत तबीयत अगर ठीक हो गई तो ठीक है। वैसे हमें शाम में बाहर भी जाना था, कुछ खरीदना था, तो हमने वो प्लान तो कैंसिल कर दिया और हमें एक फ्लैट भी देखने जाना है, तो देखते अगर वहाँ जाएंगे तो आप लोगों को भी लेकर जाएंगे अपने साथ, जैसा जो होता है आप लोगों के साथ तो शेयर करूँगी। तो चलिए फिर आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पास में ही, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे एक रिलेटिव यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, तो उनके घर पे जा रहे हैं ऐसे ही वॉक करते हुए, बिल्कुल यहाँ से 2 मिनट की दूरी पर उनका घर है। घर से बाहर निकलते ही नवनिया इतने खुश हो जाते हैं, इनको बस बाहर निकलने का मौका चाहिए। ये देखिए इनके बालकनी से बाहर का नज़ारा कितना सुंदर दिख रहा है। ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है इसमें भी कुछ फ्लैट्स खाली है, लेकिन ये हमारे बजट के बाहर है, इनके रेट्स बहुत हाई है। हम लोग अभी जहाँ पर आए हैं यहाँ पर भी एक छोटा बेबी जो भी 1 साल का होने वाला है, नवनिया को देखिए उसके टॉयज के साथ खेल रहा है और कितना ज़्यादा खुश है। बेबी को उसकी मम्मा अभी खाना खिला रही है। यहाँ इसी बिल्डिंग में कुछ फ्लैट्स खाली है तो अब अभी वो भी देखने वाले हैं। ये यहाँ से एंटर करते तो ये यहाँ पे है एक किचन और ये किचन साइज में काफ़ी छोटा है।
यहाँ से आगे जाते हैं तो ये है इस घर का लिविंग एरिया। लिविंग एरिया में जो ये इस तरह की विंडो जैसी बनी हुई है, यहाँ से किचन देखता है, तो आप यहाँ से भी किचन देख सकते हैं। किचन का साइज छोटा है। अब यहाँ से वापस आते हैं तो ये है गेस्ट वॉशरूम। और ये एक रूम है, इसको आप मेड रूम बोल सकते हो, स्टोर रूम बोल सकते हो, आप इसको जिस तरह से यूज करना चाहो। अब इसके बाद इस पैसेज से आगे जाते हैं, ये एक और वॉशरूम है। और ये है इस घर का पहला रूम। अभी यहाँ से निकलते हैं, चलिए दूसरे रूम में चलते हैं। No. इस दूसरे रूम में ये वॉशरूम अटैच्ड है। और चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं और इस तीसरे रूम में चलते हैं। तो ये है इस घर का तीसरा रूम। और इसी सेम बिल्डिंग में सेम इसी तरह का एक और भी फ्लैट खाली था, वो इससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा था। अभी काफ़ी देर हो चुकी है तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं यहाँ से। तो अपना आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी और अब मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।